और दोस्तों अभी जब मैं इंटरनेट के ऊपर रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक बहुत ही अच्छी खबर देखने मिली। यहाँ आप देख पा रहे बढ़ जाएगी हर एक भारतीय की उम्र 4 साल अगर सरकार मान ले WHO की ये गाइडलाइन। तो दोस्तों जब मैंने इस खबर को देखा और पढ़ा तो मुझे लगा कि अपनी DLS न्यूज कम्युनिटी के फैमिली मेंबर्स यानी कि सब्सक्राइबर्स दोस्त मित्रों के साथ भी जरूर इस खबर और न्यूज को शेयर करना चाहिए। तो दोस्तों इसी के ऊपर एक छोटा सा वीडियो बनाया मैंने और चलिए जानते हैं फटाफट से कि आखिर क्या कुछ लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज अपडेट एंड हेडलाइंस अलर्ट निकल कर आ रहा है। यहाँ आप देख पा रहे दोस्तों भारत में आज के वक्त में प्रदूषण एक अहम समस्या बनकर उभरा है और यहाँ तक कि दिल्ली NCR जैसे भारत के बड़े शहर भी प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के रिसर्चर की ओर से विकसित किए गए एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स यानी कि AQLI के मुताबिक वायु प्रदूषण की वजह से वैश्विक स्तर पर हर व्यक्ति अपने जीवन काल के 1.8 साल कम जीता है, लेकिन भारत में वायु प्रदूषण की वजह से हर व्यक्ति जीने की उम्र 4.3 साल यानी कि तकरीबन 4.5 साल कम हो गई है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मानव शरीर पर प्रदूषण का असर HIV, एड्स, सिगरेट और यहाँ तक कि इन चीजों से भी ज्यादा खतरनाक होता है। अब आप सोच सकते हैं दोस्तों प्रदूषण का असर जो होता है हमारे शरीर के अंदर शराब, ड्रग्स, नशा, HIV, एड्स इन सब चीजों से भी ज्यादा खतरनाक है। तो ऐसे में दोस्तों ये कितनी गंभीर समस्या और मुद्दा है ये चीज आप समझ सकते हैं। अच्छा एक रिसर्च में बताया गया दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो लोग गुटखा सिगरेट पीते हैं उनकी औसत आयु 1.6 साल कम होती है, जबकि जो शराब और ऐसा नशा करते हैं उनके जीने की उम्र में 11 महीने की कमी आती है। वही गंदा पानी और गंदगी से जीवन यापन करने वाले के जिंदगी के साथ मत कम हो जाते हैं, लेकिन 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 प्रदूषण ही एक ऐसी चीज है जिससे जिंदगी के सबसे ज्यादा साल कम होते हैं, तकरीबन 4 से 5 साल एक आदमी की आयु कम हो जाती है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप दोस्तों भारत और चीन में सबसे ज्यादा इस समय प्रदूषण का असर आ रहा है पूरी दुनिया में और ऐसे में आप देख सकते हैं दोस्तों WHO की गाइडलाइन अपनाने पर आ सकता है सुधार। अगर भारत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO की गाइडलाइन को मान ले तो औसत तौर पर हर एक भारतीय की उम्र 4.3 साल बढ़ जाएगी। भारत में एक व्यक्ति के जीने की औसतन उम्र 69 साल होती है जिसे बढ़ाकर 73 साल किया जा सकता है। और वहीं दोस्तों यहाँ पर प्रदूषण से बचने के कुछ उपाय हैं जिन्हें हमें जरूर फॉलो करना चाहिए हमारी जिंदगी में। यहाँ आप देख सकते हैं वायु प्रदूषण से बचने के लिए घर, फैक्ट्री, वाहन के धुएं को सीमा में रखना चाहिए, पटाखों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कूड़ा कचरा बाहर नहीं जलाना चाहिए और बहुत पुराने गाड़ी वाहन व्हीकल जो कि ज्यादा धुआं देते हैं उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उनकी मरम्मत रिपेयरिंग करवानी चाहिए हमें। और भी कुछ अलग अलग प्रदूषण से बचने के उपाय और टिप्स यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इन्हें हमें अपनी जिंदगी में जरूर फॉलो करना चाहिए। वैसे दोस्तों इस प्रदूषण से बचने के लिए हम और क्या उपाय अपना सकते हैं, आपके क्या दिमाग का आइडिया है वो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आप जीत सकते हैं DLS न्यूज़ टीम की तरफ से एक अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। और इस गिफ्ट में हो सकता है दोस्तों मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट, लैपटॉप, टूल्स, गैजेट वगैरह कुछ भी अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। हर तरह की काम की खबर पाने के लिए वीडियो को लाइक शेयर करना और नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाना ताकि आप और हम आपस में जुड़े रहेंगे और एक दूसरे के साथ हमेशा काम की खबरें शेयर कर पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।